नमस्कार, मैं हूं कमलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और ACC गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। पूरे विश्व और प्रदेश के साथ साथ मंडी में भी महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। कहीं कवि सम्मेलन तो कहीं कटा केक। महिला दिवस पर जानिए कितनी सुरक्षित हैं आज की नारी। चलो के कमेंट से के न्यूज की महिला दिवस पर विशेष रिपोर्ट। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज घोषणा पर कांग्रेस ने बांटे लड्डू, तो वहीं धूमल ने कहा कांग्रेस सिर्फ चुनावों के समय करती है घोषणाएं। और घुटनों के दर्द को ना किया जाए अनदेखा, ये बीमारी ले सकती है जान, कहा फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर रमेश सेन ने। आज पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है और इस दिन को महिलाओं के सम्मान के रूप में मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ में हुई थी। आज भले ही हमारा देश कितनी भी तरक्की कर चुका हो और अक्सर हम कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन फिर भी आज हमारा समाज का नजरिया महिलाओं और लड़कियों को लेकर कितना बदला है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 16 दिसंबर 2012 का दिन तो आप सभी को याद ही होगा। जी हाँ, यह वही दिन था जब दिल्ली में एक लड़की के साथ बस में गैंग रेप किया गया था और उसे कई सारी यातनाएं देने के बाद दिल्ली की एक सड़क पर फेंक दिया गया था। बाद में उस लड़की की गहरी अंदरूनी चोट लगने के कारण सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले ने उस वक्त काफ़ी तूल पकड़ा था और आनन फानन में सरकार को महिलाओं की हिफाजत के लिए एक सख्त कानून बनाना पड़ा था। लेकिन समाज की मानसिकता की अगर बात की जाए तो वह ना तब बदली थी और ना आज बदली है। उसी दिल्ली गैंगरेप की स्टोरी पर जब एक निजी टीवी चैनल की एक बड़ी एंकर रात को कवरेज करने पहुंची थी तो आप खुद ही देख लें उनके साथ क्या हुआ था। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स से मुनीरका की ओर बढ़ने ही वाली थी, लेकिन उस पहले ही उनका सामना हो गया दिल्ली के कुछ मंचरों से। ताज्जुब होता है इस घटना को देखकर। एक टीवी चैनल के कैमरे के सामने ही कार में सवार तीन लड़के सरेआम ऐसी जुर्रत करते। अगर कोई आम लड़की होती तो उसके साथ ये मनचले ना जाने क्या करते। हम अब जवाब चाहते हैं दिल्ली पुलिस से। इन मनचलों के चेहरे और कार का नंबर देखने के बाद इनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी। जी हाँ, तो देखा आपने, दिल्ली के कुछ मनचलों की हिम्मत इतनी ज्यादा थी कि उन्हें ये तक शर्म नहीं आई और डर भी नहीं लगा कि वे किसी मीडिया कर्मी को कमेंट मार रहे हैं। अगर ये घटना इतनी बड़ी पत्रकार के साथ हो सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लड़की या महिला के साथ क्या सब होता होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर संवाददाता मोनिका ठाकुर ने बात की मंडी की कुछ लड़कियों से कि क्या समाज की सोच आज बदली है कि पहले जैसी ही है। आप खुद ही सुन लें उन्होंने क्या कहा। दीक्षा जी, हमें बताइए कि आज की डेट में भी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि औरतों को सारे अधिकार मिले तो हैं, पर अभी तक उनको मतलब जो जैसे कमेंट्री करते हैं लड़के पीछे से, अभी तक वैसा ही चला है, कोई कुछ करता ही नहीं उसके बारे में। तो आपको नहीं लगता कि कुछ उनके प्रति कुछ एक्शन लेना चाहिए? उस टाइम लेना तो चाहिए पर कोई लेता ही नहीं है। हर सभी लोग डरते हैं, लड़कियाँ पहले बोलती नहीं, आगे जाके उनको बोलना चाहिए। हमें लगता है तो उनको होना चाहिए आगे, पर कोई किसी के डर से कोई करता नहीं, उनको अपनी बदनामी का लगा होता है वैसे भी, पर उनको होना चाहिए आगे। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि वो इस समाज की सोच के कारण आगे नहीं जा पाती हैं कि समाज उनके बारे में क्या सोचेगा, यही आप कहना चाहती हैं? हाँ जी। और आज महिला दिवस है तो इसके ऊपर आप कुछ महिलाओं के बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं तो इतना बोल सकती हूँ कि जिनके साथ भी ऐसा होता है वो खड़े होकर आगे जाएं, अपने
सुरक्षा के उनके खुद के हाथ में है। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में महिलाएं जो हैं वो उनके प्रति जो समाज की सोच है वो वैसी ही है, कुछ बदली भी है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बदला हुआ है समाज में, वैसे के वैसा ही है। लड़की आज भी घर से बाहर निकलती है तो उसे कमेंट तो सुनने ही पड़ते हैं हर जगह पे, चाहे कॉलेज में हो चाहे बस स्टैंड, हर जगह। जबकि महिला तो हर क्षेत्र में आ गई, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी लेडीज रह चुकी है। कहीं भी जाए, कोई भी ऑफिस, बैंक, कहीं भी, हर जगह आपको महिलाएं मिलेगी और कोई नहीं मिलेगा। आप कुछ महिलाओं के लिए संदेश देना चाहेंगी? कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम भी नारी है। जी, तो लड़कियां कोमल हैं, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। वहीं जब इस बारे में कॉलेज में पढ़ने वाली प्रतिमा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं पर समाज, खासकर लड़कों के ख्यालात 18वीं सदी के ही लगते हैं। उन्होंने कहा कि कमेंटबाजी और सीटियां हर लड़की को अपने जीवन में फेस करनी पड़ती है। इस वक्त हमारे साथ है प्रतिमा। प्रतिमा जी, आप हमें बताइए कि आज जो है आधुनिक इतना युग हो चुका है और आज की जो नारी है वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे रहे हैं, बट आपको क्या लगता है कि आज भी समाज की जो सोच है महिलाओं के प्रति वो वैसी की वैसी है या कुछ हद तक चेंज हुई है? एक्चुअली आजकल जो भी चल रहा है आप खुद जानते हैं, बोलने को तो लेडीज आर इक्वल टू मेंस, कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, बट एक्चुअली जो रियलिटी है इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट, इट्स रिवर्स इफेक्ट। मतलब कहने को वाइसा वर्सा कह सकते हैं आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लेडी आपके साथ स्टैंड करती है, पर एग्जाम्पल ही देख लो आप दिल्ली गैंग रेप। अगर आप लड़की को अपने साथ मानते हो तो ऐसा उसके साथ कभी होना ही नहीं चाहिए। आप सिर्फ वुमेन को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, उसे यूज एंड थ्रो का एक मटीरियल समझते हैं, दैट्स इट। कहीं भी आपकी सोच नहीं बदली है समाज की, आज भी समाज वहीं खड़ा है। कहने को हम 21st सेंचुरी के पीपल्स हैं, जनरेशन है, बट स्टिल वी आर स्टैंडिंग ऑन 18th और 19th सेंचुरी। अच्छा, आज भी आप जब कहीं चलते हैं, कभी जाते हैं मार्केट या बस स्टैंड या कहीं भी, तो आपको भी लोगों की जो छेड़खानी या उनकी जो बीच में कमेंट करते हैं वो भी आपको फेस करना है पड़ता है? या दिस इज मुझे ही क्या, आई मीन हर लड़की को ये फेस करना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख ले, कितने भी आप एक्ट्स कर लो, उनमें अमेंडमेंट्स कर लो, स्टिल सिचुएशन वही वर्स्ट है, वही हमें सफर करना पड़ता है, नथिंग हैज चेंज। जिस पावर ऑफ 49 कैंपेन की बात प्रतिमा कर रही हैं वह अभियान टाटा ग्लोबल्स द्वारा जागोरी अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को बिना किसी दबाव में आए वोट देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहरहाल बात अगर हम अपने मुद्दे की करें तो आज भी लड़कियों को आए दिन किसी न किसी कमेंट या ईव टीजिंग का शिकार होना पड़ता है। जो लड़का या पुरुष ये काम करता है वह यह भूल जाता है कि उसकी इस हरकत का लड़की के दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात वह यह भूल जाता है कि असली मर्दानगी एक औरत की इज्जत करने में होती है, ना कि उसे सीटी बजाने या कमेंट मारने में। साथ ही ज़रूरत हर उस माँ बाप को अपने बेटे को समझाने की भी है कि वह अपना चरित्र ऐसा बनाए कि खुद उसे उस पर गर्व हो सके। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और छेड़खानी की घटनाएँ सिर्फ कड़े कानून बना देने भर से कम नहीं होंगी, बल्कि पूरे समाज को एक साथ इस ओर पहल करने की ज़रूरत है, अपने अपने घरों से। बहरहाल हम तो इस महिला दिवस पर सभी लड़कियों से यही कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह की कमेंटबाजी और छेड़खानी पर चुप ना बैठें और ऐसे लड़कों और पुरुषों को सबक ज़रूर सिखाएं। रिपोर्ट के अंत में चलते चलते आप ज़रा इस वीडियो को भी देख लें जो विस्लिंग वुड मीडिया स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई है और एक बड़ा संदेश एक क्रिएटिव अंदाज में पेश किया गया है। दिखता है, देख ले,
कैमरा पर्सन संतोष के साथ मोनिका ठाकुर और मुकेश सिंह ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। महिला दिवस के अवसर पर सुखदेव वाटिका सुंदरनगर में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कवियों ने अपने विचारों की धारा से श्रोताओं को खूब लुभाया। सुखदेव की तपोस्थली में आयोजित इस कवि सम्मेलन में डॉक्टर आर के गुप्ता, डॉक्टर हेमंत शर्मा, प्रेम लाल गुड्डू और अन्य कवियों ने शिरकत की। इस मौके पर पारिवारिक संबंधों के बिखराव, महिला पीड़न, आक्रोश और संवेदना जैसे विषयों पर प्रबुद्ध कवियों ने अपनी रचनाएं पढ़ी। दाइये नुहाया, छोटी दादिये घुट कौड़ा प्याया, बड़िए पाई घुगड़ुए घुमाया, अम्मे दुलारिया समझाया, जे नहीं मनिया तलाई कुगस मानू बनाया। पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, मगर हम क्या देखते हैं, हर रोज़ सुबह समाचार पत्र आता है, उसमें जो अखबारें हैं, समाचार पत्र जो हैं, वो रेप की घटनाओं से अटे पड़े हैं। यहाँ तक कि यहाँ बड़े बड़े महानुभाव कवियों ने अपनी कविताओं में महिलाओं के प्रति आदर प्रदर्शित किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर बड़ी ऊंची ऊंची बातें की हैं, मगर हमारे देश की 49% आबादी महिलाओं की है, फिर भी हमारा स्थान कहाँ है, ये आप देख सकते हैं इस समय। अर्धांगनी नहीं, सर्वांगनी बनकर अपने आंचल के पंखों से स्वयं उड़ान भर, रहकर लक्ष्मण रेखा में अपने पद चिन्हों पर चल, स्वयं अपनी मंजिल तलाश कर, अर्धांगनी नहीं सर्वांगनी बनकर। अब नहीं जरूरत तुम्हें बेबसी में आंसू बहाने की, ना बासना बनने की, ना पायल बजाने की, अपने नख और दांतों को तेज कर, स्वयं अपनी रक्षा कर, अर्धांगनी नहीं सर्वांगनी बनकर। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड संस, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मि डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मि डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड संस, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। जूड़ी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला, आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल। 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10000 रुपए की मासिक किस्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला, हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0945950371, 0941808653,
09418937619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा, टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। एलजी का हर प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। जी हाँ, नेरचौक में खुला है एलजी का एक्सक्लूसिव शोरूम सिर्फ सीएल मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और एलजी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे सीएल मेहरा एंड सन्स, नेरचौक मंडी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मंडी के जोनल हॉस्पिटल में एक छोटे से समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें 108 इमरजेंसी सर्विस की महिलाओं ने केक काटकर इस दिन को सेलिब्रेट किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन 108 में काम कर रही इन महिलाओं के लिए दोहरी खुशी का दिन था, क्योंकि एक और जहां पूरा विश्व इस दिन को महिलाओं को समर्पित करता है, वहीं इस दिन 108 इमरजेंसी सर्विस को हिमाचल में शुरू हुए 3 साल पूरे हुए हैं। महिला दिवस और 108 की सालगिरह के मौके पर अस्पताल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक छोटे से समारोह का आयोजन किया गया और 108 में काम कर रही महिलाओं ने केक काटकर और एक दूसरे को केक खिलाकर इस दिन को सेलिब्रेट किया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें 108 इमरजेंसी में काम करके अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें इस सेवा के माध्यम से किसी की जान बचाने का मौका मिलता है। और मुझे इस 108 में जो है 3 साल काम करते हो गए और 108 में काम करते हो बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। जब भी हम कोई केस या इमरजेंसी हैंडल करते हैं तो हम अपने आप को ही अच्छा फील होता है कि हम किसी दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आज यहाँ पे जो वुमेन डे के लिए हमें बुलाया है हमारे एमी सर, डीएम सर ने, तो आज हम वुमेन डे पे सभी इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे जो हमारे लिए फंक्शन रखा गया है वो जो जीवीके 108 की जो एम्बुलेंस है पूरे 3 साल भी कंप्लीट हो गए, उसके उपरांत जो पूरे देश में जो वुमेन डे मनाया जाता है उसी के लक्ष्य के पर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे EMTs और सेलिब्रेट कर रहे हैं फंक्शन को। वहीं इस मौके पर 108 EMT महिलाओं को बैच भी दिए गए और साथ ही गुलाब का एक एक फूल भी दिया गया। निश्चित ही 108 जैसी पवित्र सेवा में पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी तारीफ के काबिल है और इमरजेंसी जैसी अत्यधिक दबाव वाली फील्ड में इन महिलाओं का काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in Chawla chicken, superb chicken, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें 826500339।
हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुंमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जर्ल कॉलोनी, पंडो, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ओनली परमानेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। वी हैव वेल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, वेल इक्विप्ड सेपरेट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो लैब्स, स्पेशल एफर्ट टू मोटिवेट एंड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, फ्री कोचिंग फैसिलिटी टू नीडी एंड पुअर स्टूडेंट्स इन स्कूल प्रेमिसेस। House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats. BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, Near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. मंडी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में चंडीगढ़ पीजीआई के भूतपूर्व प्रोफेसर व मोहाली स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल के ऑर्थो डॉक्टर डॉक्टर रमेश सेन का कहना है कि घुटनों के दर्द को अनदेखा करना घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ये दर्द जिंदगी को भी खतरा पैदा कर सकता है। इससे पहले मंडी और सुंदरनगर के माही डॉक्टरों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर सेन ने कहा कि हम आमतौर पर ऐसे दर्द को अनदेखा कर देते हैं व किसी बड़े ऑपरेशन के डर से डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। उनके मुताबिक वास्तव में ऐसे दर्द को समय पर जांच कर इसका इलाज करवा लेना ही जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के प्रति पैदा भ्रांतियों को खत्म करने की जरूरत है क्योंकि यह जरूरी नहीं कि हर ऑपरेशन बड़ा हो। उन्होंने कहा कि घुटने के दर्द के बारे में लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। आज की मीटिंग का मेन पर्पज यह है कि हमें अपने घुटनों की दर्दों के बारे में ध्यान रखना है कि अगर हमारे घुटनों की दर्द हैं तो वो एक तरह का गठिया हो सकता है और वो आगे चल के हमारी प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा सकता है। अगर हम उस स्टेज पे अपने घुटने के बारे में ध्यान दें, एक प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, एक प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लें, जो उस स्टेज पे एक सिंपल ट्रीटमेंट होगा अगर उसको लेकर के केयरफुल एक्सरसाइजेस करें और सिंपल दवाइयों के बाद जैसे ही दर्दें ज़्यादा ठीक होती हैं फिर हम एक्सरसाइज की तरफ को ध्यान दें तो हम घुटने बदलने की नौबत से बच सकते हैं। इस घुटने की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, अगर हम इस बढ़ाव को स्लो कर सकें या इसको रोक सकें तो हम घुटने बदलने वाली प्रॉब्लम को बच सकते हैं। और कुछ छोटी सर्जरीज हैं अगर उनको भी हम टाइम पे कर लें, करवा लें तो उससे भी हम बड़ी प्रॉब्लम से को अवॉइड कर सकते हैं और अपने घुटनों का जो स्टेटस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन तुषार के साथ मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।